हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कम समय में किस तरह से हम अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे। कई स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वहीं कई स्कूलों में अभी भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में किस तरह से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए कि आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और साथ ही आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सको, तो इन सभी बातों को आज हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो कम समय में प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए तो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास नोट्स है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नोट्स ही नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी क्वेश्चंस को आप याद करोगे। तो इसलिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप उसका सबसे पहले कहीं से इंतज़ाम कर ले। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और जानते हैं कि अगर हमारी तैयारी नहीं हो पाई है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो किस तरह से हमें तैयारी करनी है, और सिलेबस भी पूरा अगर नहीं हो पाया है तो किस तरह से हम अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है उसे तो हमें पढ़ना ही है, और साथ ही आप ऑनलाइन एजुकेशन ज़रूर ले। ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आ रहा हो तो हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उस क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आप स्कूल गए, वहाँ आपने स्कूल के टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा, आपके टीचर ने उसका पूरा सॉल्यूशंस बोर्ड पे करके दिखाया और आपको समझाया, बट आपको समझ में नहीं आया। आपने टीचर से पूछा कि सर एक बार और समझाइए, वे सर आपको एक बार और समझाते हैं। दो बार में भी अगर समझ में नहीं आया तो ज़्यादा ज़्यादा आप तीन बार पूछेंगे, और तीसरे बार में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप चौथी बार खुद नहीं पूछेंगे, आप ये सोचेंगे या तो सर मुझे डांट सकते हैं या फिर फ्रेंड्स हंस सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपके अंदर जो डाउट था वो डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ और आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को दो बार, तीन बार, चार बार, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार देख सकते हैं, आपको कभी ना कभी एक बार समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो ये हो गया दूसरा बेनिफिट, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाए उतनी बार देखिए, क्योंकि वहाँ पर आप पर हंसने वाला या फिर आपको डांटने वाला कोई नहीं रहता। अब तीसरा बेनिफिट क्या है, अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर कोई क्वेश्चन ही हमें समझ में नहीं आया तो हम लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें एक आंसर मिलेगा किसी चैनल का, उस चैनल के आंसर्स को हम लोग देखें, हमारा जो डाउट था वो क्लियर नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, दूसरे चैनल का भी जो होगा वीडियोज़ को देखेंगे। इसके बाद दूसरे से भी समझ में नहीं आया तो तीसरे का देख सकते हैं, चौथे का देख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग को अगर किसी एक का मेथड समझ में नहीं आ रहा हो तो दूसरे का मेथड को आप देख कर समझ सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा चैनल आप लोग को मिल जाएगा जहाँ का मेथड आप लोग को समझ में आ जाएगा और उस टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया तीसरा बेनिफिट। तो इस तरह के कई बेनिफिट्स हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम लोग को मिलता है। ऑनलाइन एजुकेशन लेने का भी बहुत सारा जरिया होता है, जैसे यूट्यूब हो गया या फिर अदर ऐप्स हो गया। जैसे आप लोग को अभी जो मेरे तरफ से एजुकेशन मिल रहा है ये यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है। तो इसी तरह से कई सारे ऐप्स हैं जिनके मदद से आप लोग को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही वहाँ से आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी मिलता है। तो इससे रिलेटेड बातों को हम लोग बाद में और अच्छे से जानेंगे, फिलहाल अभी हम लोग यह जान लेते हैं कि किस तरह से सिलेबस को हम लोग पूरा करेंगे और प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो आगे हम लोग और भी बातों को जानते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए से हम लोग किस तरह से अपने चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, जो भी चैप्टर्स आपका इनकम्प्लीट है उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल या कंप्यूटर ही ना रहे तो किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों के पास मोबाइल और कंप्यूटर रहे ही। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को जो भी इनकम्प्लीट चैप्टर है उसको कम्प्लीट करना है। चैप्टर को हम लोग किस तरह से करेंगे, तो स्कूल के टीचर को आप बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा पढ़ाई को स्पीड करें क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, एक बार आप टीचर से बात करके देख सकते हैं अगर आप स्कूल जा रहे हैं।
या फिर अगर आप ट्यूशन कर रहे हैं तो आप ट्यूशन टीचर से भी एक बार आप बात कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो वहाँ से आप टीचर से बात करके अपने कोर्स को कंप्लीट करवा सकते हैं। या फिर आपके कोई फ्रेंड जिनको कि आगे का चैप्टर समझ में आ गया हो, उनसे आप उन चैप्टर्स को समझ सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अप्लाई करके आप अपने इनकम्प्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और कम समय में अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को साइंस को लेकर प्रोवाइड किया था 5 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ ले। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जिस चैप्टर से 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस के लिए 5 मार्क्स के लिए हम लोग याद करेंगे, और जिन चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा उन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने से बचेंगे और हमारा समय भी वहाँ से बचेगा। और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आप लोग ज़रूर नोट्स बना के रखते जाएं और एग्ज़ाम के समय बस आप उसको याद करते जाएं, वहां से आप लोग के क्वेश्चंस 100% फिक्स एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और कम समय में आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के वीडियोज़ को और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।